गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, लुक एट द बुक। दिस इज द बुक ग्रामर एंड दिस इज द कंटेंट्स ऑफ योर बुक। दिस इज द मैनी चैप्टर्स इन दिस बुक। देखिए बच्चों, आपकी जो ग्रामर बुक है क्लास सेकेंड की, जिसमें कि 13 चैप्टर्स दिए गए हैं, यानी कि 30 चैप्टर्स, जिसमें से आपको पहला चैप्टर आज मैं आपको रीड करवाऊंगी, पढ़ाऊंगी। और आपका पहला चैप्टर है द सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला चैप्टर, द सेंटेंस। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वे वर्णों के समूह। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसमें लिखा है राइट ए लेटर मान्या, ठीक है ना। और सेकंड लिखा हुआ है डॉग पेट हैज ए अंकित, यानी कि ये जो दोनों वर्ड लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं, यानी कि ये सही नहीं लिखे हैं। ये सही क्यों नहीं लिखे हैं वो हम जानेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है डू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक एनी सेंस, यानी कि उन वर्णों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। और दूसरा लिखा हुआ है नो दे डू नॉट मेक मेक एनी सेंस, नहीं इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अब हम इन्हीं वर्णों को दोबारा पढ़ेंगे जो कि सही क्रम में लिखे हुए हैं, यानी कि सही तरह से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था पहला वाला जो कि रॉन्ग था, वही यहाँ पर राइट करके लिखा हुआ है। पहला क्या है आपका, मान्या राइट्स ए लेटर, यानी कि ये जो आपका है वो आपका सही लिखा हुआ है, मान्या राइट्स ए लेटर। और सेकंड वाला है आपका अंकित हैज ए पेट डॉग, यानी कि अंकित के पास एक पालतू कुत्ता है। तो इस तरह से ये जो हमारे सेंटेंस हैं जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, यानी कि जो सही क्रम में लिखे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है नाउ दिस वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि वे वर्ड, यानी कि वे वर्ड जिनका एक निश्चित अर्थ निकले। यहाँ डेफिनेशंस भी दी गई है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि वर्णों का वह समूह, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, वह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य, वाक्य, ठीक है ना। आगे देखिए, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, ए सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि एक जो सेंटेंस, यानी कि एक जो वाक्य होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर, यानी कि बड़ी ए बी सी डी, यानी कि कैपिटल लेटर से पहला वर्ड जो होता है, यानी आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं उसका पहला अक्षर आप कैसे बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, और जिससे कि पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ दिखाई दे। तो पहला जो आपका वर्ड बनता है, यहाँ ये बताया गया है कि जो हमारा वाक्य होता है वो प्रारंभ होते समय हमेशा उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पहला अक्षर हम बड़ा बनाते हैं। उसके बाद जब हम सेंटेंस यानी वाक्य का अंत होता है, तो वाक्य के अंत में क्या होता है आपका, फुल स्टॉप, यानी कि कोई भी वाक्य आपने लिखा और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, जिससे आपका लास्ट होता है सेंटेंस का। और आपका सेंटेंस किससे लास्ट होता है, यदि वाक्य क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, तो वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। और यदि वाक्य एक्सक्लेमेटरी है तो उसका उस वाक्य का अंत किससे होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन से।
तो अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, राइट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस इन योर नोटबुक। यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि आपको सही क्रम में लगाने हैं, जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले, जो आपके नोटबुक में दिए गए हैं इनको ये रॉन्ग वे में लिखे हुए हैं और इनको आपको राइट वे में लिख के करेक्ट करना है। चलिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिकेट प्ले लाइक आई टू, तो उसको जब हम राइट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। सेकंड है आपका ऑन फायर ए हाउस इज, तो जब हम इसको राइट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हाउस इज ऑन फायर, ठीक है ना। सो थर्ड है आपका ग्रीन इज ग्रास द, तो राइट क्या हो जाएगा, द ग्रास इज ग्रीन। थर्ड है आपका क्वर्ली हेयर शी हैज, तो इसका जब राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैज क्वर्ली हेयर। फिफ्थ वाला है आपका द मून एट नाइट साइन, तो जब हम इसका राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मून शाइन एट नाइट, यानी कि चंद्रमा रात में चमकता है। और सिक्स वाला है आपका स्मेल्स फ्लावर दी स्वीट, तो जब हम इसको सही करके लिखेंगे, राइट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस फ्लावर स्मेल स्वीट, यानी स्वीट स्मेल। तो ये जो है आपके जो कि रॉन्ग वे में लिखे हुए थे, जिनको हमने राइट वे में लिखा है, यानी कि राइट वे में करेक्ट करके बताया आपको। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी राइट ईच स्टार्टिंग विद ए, सॉरी, राइट ईच सेंटेंस स्टार्टिंग विद ए कैपिटल लेटर एंड पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड इन योर नोटबुक। यानी इसमें ये दिया गया है कि आपकी बुक में जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको आपको पहला वर्ड, यानी कि उसको आपको सही क्रम में लिखते हुए पहला वर्ड कैपिटल बनाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि पूरा वाक्य आपको कंप्लीट करना है जैसे कि वाक्य होता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द एनिमल, सॉरी, द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, तो यहाँ जो लिखा हुआ है आपका, इसको आपका पहला जो वर्ड है टी, वो आपका बड़ा बनेगा, यानी कैपिटल बनेगा, द ऐसे लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ लिखा हुआ आई शो ए वर्ड, तो यहाँ पर जो है वो आपका आई जो है वो बड़ा बनेगा, कैपिटल आई, और लास्ट में आपका यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा और यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा। थर्ड है आपका द विंडो इज़ ओपन, तो यहाँ भी द का पहला वर्ड टी बड़ा बनेगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, यानी फुल स्टॉप नहीं, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि विंडो बंद कर खोल दो, तो यहाँ आदेश हो रहा है तो यहाँ पर कर दिया। इसी तरह से यहाँ लिखा है आई एम लर्निंग माई लेसन, तो यहाँ पर जो आई लिखा है वो आपका पहला वर्ड बड़ा बनेगा, यानी कैपिटल लेटर में बनेगा आई वर्ड, उसके बाद लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगेगा। इस तरह से जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप और आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और उसको आप अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।